के सेशन में वी आर गोइंग टू डिस्कस मेजरमेंट ऑफ टाइम एंड सिंपल पेंडुलम. बट बिफोर वी स्टार्ट द सेशन, इफ यू आर अ क्लास 9th स्टूडेंट इन ICSE बोर्ड एंड यू आर लुकिंग फॉर अ चैनल दैट विल कवर द एंटायर क्लास 9th फिजिक्स इन द ईजिएस्ट पॉसिबल मैनर, दिस इज द राइट प्लेस. तो अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट से चैनल को सब्सक्राइब कर लो. चलो, पुराने सेशंस में हम ऑलरेडी मेजरमेंट ऑफ लेंथ पढ़ चुके हैं. वर्नियर कैलिपर के लिए हमने अलग लेक्चर किया था विद न्यूमेरिकल्स. स्क्रू गेज के लिए भी हमने अलग लेक्चर किया था विद न्यूमेरिकल्स. तो अगर आपने वो लेक्चर्स नहीं देखे हैं तो चैनल की प्लेलिस्ट में आपको दिख जाएंगे, वरना ऊपर आई बटन में भी आपको दिख सकते हैं. ठीक, चलो अभी स्टार्ट करते हैं. देखिए, सबसे पहला मिसकंसेप्शन, अगर मैं आपसे पूछूं व्हाट इज अ सिंपल पेंडुलम, तो जो पहली पिक्चर आपके दिमाग में बन के आती है वो ये है. और ये बिल्कुल ठीक भी है, पेंडुलम हमारा ऐसा ही होता है. बट द प्रॉब्लम इज, हमने जो सिंपल पेंडुलम देखी है, हमारे क्लॉक में जो सिंपल पेंडुलम होती है वो एक्चुअली में सिंपल पेंडुलम नहीं है. तो पेंडुलम वर्ड को हमें क्लॉक वाली पेंडुलम से कंफ्यूज नहीं करना है. इज दैट वेरी वेरी क्लियर? अब बात करते हैं सिंपल पेंडुलम क्या है. देखिए, सिंपल पेंडुलम एक ऐसा डिवाइस है, एक ऐसा अरेंजमेंट है जो पीरियोडिक मोशन पर डिपेंड करता है. अब पीरियोडिक मोशन क्या है? इफ अ पर्टिकुलर मोशन रिपीट्स इटसेल्फ आफ्टर अ फिक्स्ड इंटरवल ऑफ टाइम देन इट इज कॉल्ड अ पीरियोडिक मोशन. अगर मैं आपको बोलूं एक ट्रेन एक्स डेली सुबह 7:30 बजे प्लेटफॉर्म नंबर 1 से निकलती है, तो अगर ट्रेन लेट नहीं है आइडियल कंडीशन में, क्या मैं ट्रेन के मोशन को पीरियोडिक बोल सकता हूं? बिल्कुल बोल सकता हूं, क्योंकि हर 24 घंटे के बाद आफ्टर एवरी 24 आवर्स द सेम ट्रेन लीव्स द सेम प्लेटफॉर्म, सो दिस मोशन इज पीरियोडिक. अब सिंपल पेंडुलम क्या है? सिंपल पेंडुलम इज अ वेरी बेसिक अरेंजमेंट जहां पर हमारे पास एक बॉब होता है, एक मास होता है जिसको हम बॉब बोलते हैं, राइट? एंड दिस इज सस्पेंडेड फ्रॉम अ रिजिड सपोर्ट. देखो बच्चों, रिजिड सपोर्ट का मतलब आपका सपोर्ट हिलेगा नहीं. जब हमारी पेंडुलम चल रही है तो हमारा सपोर्ट हिलेगा नहीं, राइट? ध्यान रखेंगे. और इस बॉब को एक थ्रेड से सस्पेंड किया जाता है और ऐसा अज्यूम किया जाता है कि हमारी थ्रेड इनएक्सटेंसिबल है और मासलेस है. मतलब क्या हुआ? इनएक्सटेंसिबल का मतलब हुआ, जब मैंने बॉब को थ्रेड से हैंग किया तो बॉब के मास की वजह से थ्रेड की लेंथ में कोई इंक्रीज नहीं होना चाहिए. दूसरी चीज, थ्रेड का भी कोई मास नहीं होना चाहिए. अगर थ्रेड का कोई मास होगा तो वो मास भी तो नीचे एक्ट करने लगेगा बॉब के मास के साथ, ठीक है ना? तो ये हमारे अजम्पशंस हैं आइडियल केस में कि हमारी सिंपल पेंडुलम का जो थ्रेड है वो इनएक्सटेंसिबल और मासलेस होगा, हमारा जो बॉब है वो एक रिजिड सपोर्ट से हैंग करेगा. ठीक, ये बेसिक अजम्पशंस हैं, ध्यान रखिएगा. अब ये हमारी सिंपल पेंडुलम ऐसी दिखाई देती है. एक और बहुत बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, देखिए, दिस इज द बॉब ऑफ द सिंपल पेंडुलम. और अगर आप डायग्राम को ध्यान से देखोगे बेटा, तो हमने जो थ्रेड बांधी हुई है वो थ्रेड हम बॉब के सेंटर तक ले गए. बहुत से बच्चे ऐसा अज्यूम कर लेते हैं, उन्हें लगता है ये सिंपल पेंडुलम है, बॉब ऐसे मंदा है. नहीं बच्चों, ऐसा नहीं है. बॉब को हम सेंटर से बांधते हैं थ्रेड के, सेंटर ऑफ द बॉब इज अटैच्ड और कनेक्टेड थ्रू द रिजिड सपोर्ट. हम एज से नहीं बांधेंगे, हम सेंटर से बांधेंगे बॉब को. तो बॉब की जो रेडियस है आर, ये भी हमेशा इंक्लूडेड है आपकी लेंथ में. अगर मैं बोल रहा हूं दैट अ बॉब इज सस्पेंडेड बाय अ स्ट्रिंग ऑफ लेंथ एल, इसका मतलब उस एल में आर ऑलरेडी इंक्लूडेड है. ये बात ध्यान रखेंगे सभी लोग, ठीक है? ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, क्योंकि देखिए बॉब में दो लेंथ होती है. आपका जब सिंपल पेंडुलम है, यहां की ट्रू लेंथ अलग होती है, इफेक्टिव लेंथ अलग होती है. तो ध्यान रखेंगे. अभी 9th में तो इतना प्रॉब्लम नहीं होगा, बट आगे 11th 12th में जब आप पढ़ोगे तो ये छोटा सा रेडियस भी हमारे आंसर को इफेक्ट करेगा. तो लाइक आई ऑलवेज से, कभी भी शुरू में ऐसी चीज नहीं पढ़नी चाहिए जो बाद में जाके हम चेंज करें.
अगर आप डायग्राम भी ध्यान से देखोगे तो L यहां तक आया है, ये L है, देख रहे हो आप। दैट मीन्स इस L में रेडियस ऑफ बॉब इज इंक्लूडेड, इज दैट वेरी वेरी क्लियर, द रेडियस ऑफ बॉब इज इंक्लूडेड। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है बेटा, बहुत इंपॉर्टेंट। ठीक, चलो अब लेट अस सी फ्यू टर्म्स दैट आर रिलेटेड टू अ सिंपल पेंडुलम। देखो अगर मैं सिंपल पेंडुलम के बॉब को, दिस इज कॉल्ड मीन पोजिशन। मीन पोजिशन वो पोजिशन है बच्चों जहां से मोशन स्टार्ट होता है। तो अगर मैं बॉब ऑफ सिंपल पेंडुलम को मीन पोजिशन से डिस्प्लेस करूंगा तो बॉब एक्सट्रीम पे जाएगी, फिर मीन पे आएगी, फिर दूसरे एक्सट्रीम पे जाएगी, फिर मीन पे आएगी। ध्यान से देखिए, दिस इज मीन, यहां से एक्सट्रीम वन पे गई ऐसे, फिर ये अपने मीन पे आई, फिर एक्सट्रीम टू पे गई और फिर ये अपने मीन पोजीशन पे आई। तो इस पूरे मोशन को हम वन वाइब्रेशन बोलते हैं। तो व्हेन वी आर सेइंग दैट द बॉब ऑफ अ सिंपल पेंडुलम इज वाइब्रेटिंग और वो पांच वाइब्रेशंस कर रहा है, इसका मतलब ऐसा मोशन पांच बार हो रहा है। ध्यान रखिएगा, वन वाइब्रेशन का मतलब हुआ मीन से एक्सट्रीम, एक्सट्रीम से फिर मीन, फिर दूसरी तरफ मीन और वापस से एक्सट्रीम। अब बहुत से अच्छे बच्चों के दिमाग में ये क्वेश्चन आ रहा होगा, सर जितना बॉब इस तरफ जाएगा क्या उतना ही इस तरफ भी जाएगा? हाँ बेटा, आइडियल कंडीशन में हम ऐसा ही मानते हैं, हम ऐसा ही मानते हैं, बॉब जितना इस तरफ गया है उतना ही इस तरफ भी जाएगा। लेकिन प्रैक्टिकली ऐसा होता नहीं है। देखिए, आप सिंपल पेंडुलम को एयर में ही वाइब्रेट कर रहे हो, तो अगर सिंपल पेंडुलम एयर में वाइब्रेट हो रहा है बेटा तो एयर का भी तो कोई रेजिस्टेंस है ना? तो उस रेजिस्टेंस की वजह से ये वैल्यू धीरे धीरे घटती जाती है। अगर आप बॉब को एक बार हिलाकर छोड़ देंगे तो ऐसे चलेगी, ऐसे जाएगी, ऐसे जाएगी, हर बार धीरे 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 कम होगा और फाइनली आपकी बॉब रुक जाएगी। तो ये बेटा प्रैक्टिकल केस होता है, एक्चुअली में ऐसा होता है, और ये आइडियल केस है जिसमें हमने क्या मान लिया है, नो फ्रिक्शन ड्यू टू एयर। ठीक है ना, हमने एयर की वजह से कोई भी फ्रिक्शन अज्यूम नहीं किया है। इज दैट वेरी वेरी क्लियर? अब आते हैं पहले टर्म पे, ऑसिलेशन। मैंने आपको ऑलरेडी समझा दिया ऑसिलेशन या वाइब्रेशन क्या होता है, मीन टू एक्सट्रीम, फिर मीन, फिर एक्सट्रीम, फिर मीन। ठीक, अब एक ऑसिलेशन में जितना टाइम लगा, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है बेटा, एक ऑसिलेशन में, वन ऑसिलेशन में जितना भी टाइम लगा उसको बेटा हम बोलते हैं टाइम पीरियड। मान लीजिए पेंडुलम को ऐसे ऐसे और ऐसे आने में 2 सेकंड लगा, तो हम क्या बोलेंगे, इसका टाइम पीरियड होता है 2 सेकंड, राइट? अब ध्यान से देखिए, मैंने आपको अभी बोला दैट दिस 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 इज टाइम पीरियड, ठीक है ना, इज दैट वेरी वेरी क्लियर? मान लीजिए मैंने आपको बोला कि इस सिंपल पेंडुलम का टाइम पीरियड है 2 सेकंड, ठीक, तो इसकी फ्रीक्वेंसी क्या होगी? फ्रीक्वेंसी की वैल्यू बेटा हमेशा होती है 1/ टाइम पीरियड। मतलब कि 2 सेकंड में अगर इसने एक वाइब्रेशन या एक ऑसिलेशन किया तो 1 सेकंड में कितना किया, 1 सेकंड में इसने 1/2 ऑसिलेशंस किए, तो मैं क्या बोलूंगा, इसका फ्रीक्वेंसी कितना हो गया बेटा, 1/2 हो गया, ठीक है ना। चल अगला टर्म होता है एम्पलीट्यूड। एम्पलीट्यूड का मतलब क्या होता है, देखो एम्पलीट्यूड का मतलब होता है बॉब जो मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट अटेन करती है किसी भी साइड। मैंने अभी आपको आइडियल केस बताया, मैंने पेंडुलम की बॉब को यहां से छोड़ा और यहां तक गई, तो एक तरफ उसने ये वाला डिस्प्लेसमेंट उसका मैक्सिमम था एक साइड, तो मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट ऑफ द बॉब ऑन आइदर साइड्स इज कॉल्ड द एम्पलीट्यूड। और ध्यान रखेंगे, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होगा कि बॉब एक तरफ ज्यादा दूर जाए दूसरी तरफ कम दूर जाए। क्यों नहीं होगा बेटा, क्योंकि हम आइडियल कंडीशन में पढ़ रहे हैं और हमने कोई एयर फ्रिक्शन नहीं मान रखा, हमने वायर को इनएक्सटेंसिबल मान लिया है, थ्रेड को,
मासलेस मान लिया है. इज दैट वेरी वेरी क्लियर? ठीक. अच्छा, अब इफेक्टिव लेंथ की बात करते हैं जो मैंने अभी आपसे डिस्कस किया. देखो बेटा, चाहे कोई भी बॉडी हो, उसका जो वेट होता है ना, वो हमेशा उसके सेंटर पे ही लाई करता है. ठीक है ना? तो बॉब क्या है? सर्कुलर है. तो इसका सेंटर यही हुआ. तो इफेक्टिव लेंथ का मतलब पॉइंट ऑफ सस्पेंशन. दिस इज कॉल्ड पॉइंट ऑफ सस्पेंशन. मतलब वो पॉइंट जहां से आपने बॉब को हैंग किया है, वहां से लेकर बॉब के सेंटर तक का जो डिस्टेंस होता है बेटा, उसको हम बोलते हैं इफेक्टिव लेंथ. क्लियर है? इजी है? ठीक. अब ये बेसिक टर्म्स हैं, ये चार बेसिक टर्म्स हैं जो हम रेडिली यूज करेंगे. अब इन टर्म्स को यूज करके अगर मैं आपसे बोलूं कि किसी सिंपल पेंडुलम का टाइम पीरियड मेजर करो, तो कैसे मेजर करोगे? देखो, बहुत सिंपल होता है, बहुत सिंपल है. हम क्या कर सकते हैं, हम एक स्टॉप वॉच ले लें, है ना, और उस स्टॉप वॉच में क्या करें, उस स्टॉप वॉच से हम 20 ऑसिलेशंस का टाइम मेजर कर लें. बिल्कुल कर सकते हैं सर, 20 ऑसिलेशंस का टाइम तो हम मेजर कर सकते हैं. हमने स्टॉप वॉच क्लिक की, जैसे ही पेंडुलम चला और हमने देखा 20 ऑसिलेशंस कितने हुए, कितने टाइम में हुए, वो टाइम हमने नोट कर लिया. टाइम फॉर 20 ऑसिलेशंस हमने नोट कर लिया, ठीक है ना. अब 20 ऑसिलेशंस का टाइम अगर मुझे मालूम है, तो क्या मैं 1 ऑसिलेशन का टाइम नहीं निकाल सकता? बिल्कुल निकाल सकता हूं, ये तो सिंपल मैथ्स है, है ना. अगर मैंने कह दिया कि, लेट मी चेंज द पेन, अगर मैंने आपसे कह दिया कि 20 ऑसिलेशंस में सिंपल पेंडुलम को 10 सेकेंड लग रहे हैं, तो एक ऑसिलेशन में कितना लगा? 10/2, यानी कि 0.5 सेकेंड. तो टाइम पीरियड बेटा कितना हो गया? 0.5. ठीक. दूसरी चीज, अगर टाइम पीरियड मुझे पता चल गया, तो मैं फ्रीक्वेंसी भी निकाल सकता हूं टाइम पीरियड का रेसिप्रोकल करके, तो वहां से मुझे फ्रीक्वेंसी भी मिल जाती है. अब इस एक्सपेरिमेंट में एक चीज का मुझे बहुत ध्यान रखना पड़ता है. किस चीज का ध्यान रखना पड़ता है? मैं अपनी एक्सपेरिमेंट को अलग अलग लेंथ पे करके देखता हूं. देखो, पहले मैं एक लेंथ का सिंपल पेंडुलम लेता हूं, मैं उसके 20 ऑसिलेशंस का टाइम नोट करता हूं, एक ऑसिलेशन का टाइम निकाल लेता हूं, फिर मैं लेंथ बदलता हूं. अब आप पूछोगे, सर बार बार लेंथ क्यों बदलते हैं? ताकि मुझे एक्यूरेट वैल्यू मिले. आप लोग भी कभी ना कभी लैब में गए होंगे, तो लैब में आप देखते हो कि आप केवल एक रीडिंग नहीं लेते हो, आप एक से ज्यादा रीडिंग लेते हो, है ना. बाद में उन सभी रीडिंग्स का एवरेज निकाल लेते हो, और वही एवरेज कहते हो सर यही मेरा आंसर है. तो बेटा, ये भी तो हम एक्सपेरिमेंट ही कर रहे हैं ना, तो यहां पर भी हमें एक से ज्यादा रीडिंग लेनी पड़ेगी. तो अब कैसे रीडिंग ले? तो हम क्या करते हैं, हम बार बार अलग अलग लेंथ ले लेते हैं, ठीक है ना. तो मैंने आपको आपकी बुक से ही ये चार्ट बनाया हुआ है. देखिए, इस चार्ट को समझना बहुत इंपॉर्टेंट है. बहुत से बच्चे इस चार्ट को ठीक से समझ नहीं पाते हैं, तो बहुत प्यार से समझेंगे, मैं आपको बहुत अच्छे से समझाऊंगा. देखो, सबसे पहले मैंने लेंथ को किया 25 सेंटीमीटर. ठीक. मैंने क्या किया, मैंने टाइम निकाल लिया 20 ऑसिलेशंस का. क्लियर है? राइट. फाइन. मान लीजिए यहां पर 20 ऑसिलेशंस में 20 सेकेंड लगे, तो एक ऑसिलेशन में कितना लगेगा बेटा? 20/20, ये कितना आया? 1. अभी इसको मत देखिए. फिर मैंने क्या किया, मैंने लेंथ कर ली 36. ठीक बेटा. अब फिर मैंने 20 ऑसिलेशंस का टाइम देखा, अब की बार वो कितना आया बेटा? 24 आया. तो टाइम पीरियड कितना हो जाएगा? 24/20, ये 1.2 आएगा. बिल्कुल सर, 1.2 आ गया. फिर मैंने लेंथ कोई और ली. आप वीडियो को पॉज करो, लेंथ की अलग अलग वैल्यूज पे आप जरा देखो, आपको चार्ट में यही यही वैल्यूज मिलेंगी. जैसे मैं 100 के लिए आपको दिखाता हूं, 100 जब मैंने लेंथ की, तो 20 ऑसिलेशंस के लिए उसको 40 सेकेंड्स लग रहा था. देखो बेटा, 20 ऑसिलेशंस के लिए उसको कितना टाइम लग रहा था? 40 सेकेंड लग रहा था. तो एक ऑसिलेशन के लिए कितना लगेगा? 40/20 = 2. देखो यहां पे 2 लिखा हुआ है, ठीक है ना. तो ऐसे आप ये सारे लेंथ को वेरीफाई कर लो. ठीक. अब क्वेश्चन ये आता है, सर मैंने वैल्यू तो निकाल ली, मुझे कैसे पता चलेगा कि ये एक्सपेरिमेंट सही है? तो ये वाला जो पार्ट है ना बेटा, ये मुझे चेक करके बता देता है. आपको कुछ नहीं करना है, बहुत ध्यान से देखेंगे बेटा.
एल अपॉन टी स्क्वायर आप रफ में निकाल के देख लो कैसे निकालोगे। एल आपको मालूम है, आपने खुद ली है अलग अलग, टी आपने निकाला है, टी का स्क्वायर कर लो। हर बार एल अपॉन टी स्क्वायर एक ही आना चाहिए। अगर ये एल अपॉन टी स्क्वायर अलग अलग आ रहा है तो इसका मतलब बेटा आपने गलती की है। आप कोई भी दो उठा लो, जैसे पहला उठाओ, एल कितना है 1, एल है सॉरी 25, टी कितना है 1, तो 1 का स्क्वायर 1, आंसर कितना आएगा 25। लास्ट वाला उठा लो, एल कितना है बेटा 100, मैंने 100 ले लिया। टाइम पीरियड मैंने कितना निकाला है 2, तो 2 का स्क्वायर करते हैं बेटा तो 100/4 आता है, फिर 25 आ गया। तो ये सारे वैल्यूज अगर एक ही आ रहे हैं इसका मतलब आपने एक्सपेरिमेंट बिल्कुल ठीक किया है। ठीक है, ये सिर्फ चेक करने के लिए होता है कि आप ठीक कर रहे हो कि नहीं। बाकी अभी मैं आपको फॉर्मूला दिखाऊंगा, फॉर्मूले से आपको पता चलेगा कि एल अपॉन टी स्क्वायर के बीच का ग्राफ हमेशा स्ट्रेट लाइन आएगा। ठीक है ना, तो अब देखते हैं कि फॉर्मूला क्या है टाइम पीरियड निकालने का। तो बेटा टाइम पीरियड निकालने का फॉर्मूला ये है। ठीक, अब टी इज द टाइम पीरियड, एल इज द इफेक्टिव लेंथ, इफेक्टिव लेंथ, एंड जी आपको मालूम है एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। देखिए एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, अगर आप क्लास 9th में आए हो और अभी आपने चैप्टर 2-3 नहीं पढ़े और पहली बार देख रहे हो ये, तो मैं आपको जी का वैल्यू बता देता हूं, इट्स 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अभी आप आगे मोशन इन वन डायमेंशन जब मैं आपको पढ़ाऊंगा यूट्यूब पर, तब आपको ये समझ में आ जाएगा ये जी क्या है। अभी के लिए याद कर लो टी इज इक्वल टू 2 पाई एल अपॉन जी। अच्छा अब एक काम करते हैं, इस फॉर्मूले का स्क्वायर कर देते हैं, तो टी स्क्वायर आ जाएगा, 2 पाई का स्क्वायर हो जाएगा बेटा 4 पाई स्क्वायर एल अपॉन जी। ठीक, अब जी को वहां ले जाते हैं और टी स्क्वायर को नीचे ले आते हैं, कर सकते हैं, देखिए कर सकते हैं। यहां से अगर मैं आपसे बोलूं एल अपॉन टी स्क्वायर, इसकी वैल्यू क्या है, जी अपॉन 4 पाई स्क्वायर। तो एल अपॉन टी स्क्वायर का जो ग्राफ बनाऊंगा ना बेटा वो एक कांस्टेंट आएगा। क्यों? क्योंकि जी की वैल्यू हमेशा कांस्टेंट होती है। ठीक, और 4 पाई स्क्वायर तो कांस्टेंट है ही, आप जानते हो, तो इसी वजह से एल अपॉन टी स्क्वायर का वैल्यू भी हमेशा कांस्टेंट आता है। अब दो चीजें बहुत नोट करने वाली हैं, पहला टाइम पीरियड मास पे डिपेंड ही नहीं कर रहा, देख रहे हो आप, अगर मैं सेम लेंथ के अलग अलग मास हैंग करूं तो मुझे सेम टाइम पीरियड मिलेगा। ठीक है, और दूसरा टाइम पीरियड एम्पलीट्यूड पर भी डिपेंड नहीं कर रहा, ये दोनों बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अब आपके सिलेबस में एक वेरी इंटरेस्टिंग पेंडुलम इज देयर, सेकेंड्स पेंडुलम। तो सेकेंड्स पेंडुलम क्या है, एक ऐसी पेंडुलम जिसका टाइम पीरियड हो जाए बेटा 2 सेकेंड। तो टाइम पीरियड का फॉर्मूला क्या होता है बच्चों, इट इज 2 पाई अंडर रूट एल अपॉन जी। ठीक, तो मैं टाइम की जगह 2 रख दूं, रख दिया सर, क्यों रख दिया, क्योंकि ये मेरी सेकेंड्स पेंडुलम है, तो 2 पाई अंडर रूट एल अपॉन जी, 2 से 2 कैंसिल। ठीक, इस पाई को अगर यहां ले आऊं तो ये मेरा एक्सप्रेशन ऐसा हो गया, राइट। अब मैं दोनों तरफ स्क्वायर कर दूं, स्क्वायरिंग बोथ साइड्स, ठीक है ना, अगर मैं दोनों तरफ स्क्वायर कर दूं तो इधर आएगा 1/π स्क्वायर, इधर आएगा एल अपॉन जी। तो इस एक्सप्रेशन से बेटा अगर मैं एल की वैल्यू निकालूं तो वो जी अपॉन पाई स्क्वायर आएगी। जी की वैल्यू मैंने अभी आपको 9.8 बताई, पाई आपको मालूम है 3.14 होता है का स्क्वायर, तो दिस इज 9.8 डिवाइडेड बाई, देखिए अब जरा ध्यान से देखिए, 3 का स्क्वायर होता है 9, लेकिन यहां पर तो 3.14 है, तो 9 से थोड़ा ज्यादा आएगा, ऊपर 9.8 है, तो ये भी लगभग 9.8 के बराबर ही आता है। एग्जैक्ट वैल्यू 9.8 नहीं आती है, लेकिन हम उस वैल्यू को 9.8 से अप्रोक्सीमेट कर लेते हैं। ठीक है ना, ये ध्यान रखिएगा, इससे मेरा कैलकुलेशन बहुत आसान हो जाता है। एक्चुअली ये 9.8596 आएगी, लेकिन मैंने ऐसा क्यों किया, ऐसा मैंने इसलिए किया क्योंकि अब मैं इसको लगभग 1 मान सकता हूं। तो यहां से एक बहुत इंपॉर्टेंट कंक्लूजन आ जाता है और आपकी टेक्स्ट बुक का एक न्यूमेरिकल भी है,
व्हाट इज द लेंथ ऑफ द सेकेंड पेंडुलम, तो मैं कह सकता हूं लेंथ ऑफ सेकेंड पेंडुलम इज 1 meter. ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, सेकेंड पेंडुलम का लेंथ अप्रोक्सीमेटली 1 meter आता है. तो यहां पर आपके एग्जाम का क्वेश्चन बनता है, व्हाट इज द लेंथ ऑफ अ सेकेंड पेंडुलम, व्हाट इज द टाइम पीरियड ऑफ अ सेकेंड पेंडुलम. तो मैंने दोनों आपको करके दिखा दिया, इज दैट वेरी वेरी क्लियर. ठीक है बच्चों, चलो अब कुछ क्वेश्चंस करते हैं, बहुत सिंपल क्वेश्चंस हैं. अ सिंपल पेंडुलम कंप्लीट्स 40 ऑसिलेशंस बेटा ये कंप्लीट कर रहा है कितनी देर में, 1 मिनट में. ठीक है ना, अच्छा, या मैं ऐसे कह सकता हूं कि 40 ऑसिलेशंस हो रहे हैं 1 मिनट में, कितने सेकेंड्स होते हैं बेटा, 60 seconds. तो एक ऑसिलेशन कितनी देर में होगा, एक ऑसिलेशन होगा 60/40 में, राइट. इसको सॉल्व करोगे तो आ जाएगा 1.5 सेकेंड. तो एक ऑसिलेशन करने में जो टाइम लगता है, क्या बेटा उसको हम टाइम पीरियड नहीं कहते, आ गया टाइम पीरियड. और अगर मेरा टाइम पीरियड आ गया तो मेरी फ्रीक्वेंसी भी आ गई 1/1.5, ये आएगी अप्रोक्सीमेटली 0.67 पर सेकेंड. ठीक है ना, इसकी एक यूनिट और होती है बेटा, इसको हम लोग हर्ट्ज भी कहते हैं, HERTZ. तो फ्रीक्वेंसी की दो यूनिट्स होती हैं, या मैं पर सेकेंड में लिख सकता हूं या मैं हर्ट्ज में लिख सकता हूं, राइट. चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं. अ सेकेंड पेंडुलम इज टेकन टू अ प्लेस वेयर एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी फॉल्स टू 1/4. चलो, हाउ इज द टाइम पीरियड ऑफ द पेंडुलम इफेक्टेड इफ एट ऑल. मतलब मैंने एक सेकेंड पेंडुलम को ले जाकर एक ऐसी जगह पर रख दिया जहां पर जी की वैल्यू चेंज हो गई. तो सबसे पहले बेटा फॉर्मूला लिख देते हैं, फॉर्मूला होता है 2πL/g. अच्छा, सेकेंड पेंडुलम है तो टी की जगह 2 कर लूं. क्यों कर लिया सर 2, क्योंकि सिंपल सेकेंड पेंडुलम का टाइम पीरियड 2 होता है. अब कह रहे हैं हम इसको ऐसी जगह पर ले गए जहां पर ग्रेविटी 1/4 हो गई. ठीक है ना, अगर ग्रेविटी 1/4 हो गई तो नया टाइम पीरियड क्या होगा, मान लीजिए टाइम पीरियड है t new. ठीक, तो 2π को 2π लिखने दीजिए, l को l लिखने दीजिए. क्या मैं g की जगह g/4 कर सकता हूं, बिल्कुल कर सकता हूं सर g/4. तो ये बेटा क्या हो गया, 2π √L/g. अगर फोर्थ डिनोमिनेटर के नीचे था तो यहां पे आ जाएगा, अब अंडर रूट के अंदर 4 है तो 2 बाहर कर लो, तो ये आ जाएगा 2π √L/g. अब आप मुझे बताओ प्यारे बच्चों, ये क्या लिखा हुआ है, ये तो यही लिखा हुआ है और इसका वैल्यू तो सर 2 है. तो क्या मैं इसको 2 × 2 लिख दूं, क्या मेरा नया वाला टाइम पीरियड 4 सेकेंड्स आ गया कि नहीं आ गया, राइट. समझ में आ रहा है, यस, क्लियर, यस. टाइम पीरियड चेंजेस गिव रीजन में बिकॉज एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी चेंजेस. चलो अगले क्वेश्चन में करते हैं. कंपेयर द टाइम पीरियड्स ऑफ टू पेंडुलम्स ऑफ लेंथ 1 meter एंड 9 meter. अब बहुत अच्छा क्वेश्चन है, दो पेंडुलम्स हैं, एक का टाइम पीरियड मैंने मान लिया t1, इसकी लेंथ है बेटा 1 meter. एक और पेंडुलम है जिसका टाइम पीरियड है t2, उसकी लेंथ है 9 meter. आपसे कह रहा है इसके टाइम पीरियड्स कंपेयर करो. तो बेटा टाइम पीरियड क्या होता है, 2π √L/g. तो अब मैं दोनों वैल्यूज लिख देता हूं, t1 हो गया 2π √L की जगह 1 लिख दूं, g कांस्टेंट रहता है ये कभी नहीं बदलता, t2 की जगह क्या कर दूं, 2π √, अब की बार लेंथ कितना है 9 है, डिवाइडेड बाई जी. अब मुझे इन दोनों को कंपेयर करना है, तो बेटा ध्यान रखिए कभी भी दो क्वांटिटीज कंपेयर करनी है दोनों को डिवाइड कर दीजिए. तो ऊपर आ गया 2π √1/g, नीचे आ गया 2π √9/g. तो देखिए बेटा 2π कैंसिल, राइट, क्लियर, जी से जी कैंसिल, तो क्या बच रहा है, ऊपर बच रहा है √1, नीचे बच रहा है √3. तो √9 कितना होता है 3. तो कितना रेशियो आ गया, t1 is to t2 is equal to 1 is to 3.
बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है, बिल्कुल परेशान होने की जरूरत नहीं है, बहुत आसानी से हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन करते हैं। अ पेंडुलम कंप्लीट्स टू ऑसिलेशंस। देखिए तुरंत आपको क्वेश्चन देखते ही समझ में आना चाहिए, दो ऑसिलेशंस में कितना टाइम ले रही है, 5 सेकेंड। आपसे पूछ रहा है टाइम पीरियड, तो टाइम पीरियड क्या होता है, वन ऑसिलेशन के लिए जो टाइम लिया गया कितना आएगा वो बेटा 5/2, तो टाइम पीरियड कितना आ गया 2.5 सेकेंड्स। आ गया ना फटाफट, अगर आपको समझ में आ रहा है तो फटाफट से चैनल को सब्सक्राइब कर दो अगर पहली बार आए हो, बेल आइकन दबाना मत भूलना, और यस प्लीज लाइक द वीडियो एज वेल। अब वो आपसे कह रहा है कि सर जी का वैल्यू है 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, तो लेंथ कितनी है, तो बेटा फॉर्मूला लगा लेते हैं, t इज इक्वल टू 2π√L/g, राइट। सारी वैल्यूज पुट कर लो, कैसे पुट करेंगे, टाइम कितना है 2.5 इज इक्वल टू 2 इंटू 3.14, लेंथ आपको निकालनी है, जी कितना है 9.8, राइट। तो 2.5 into √9.8 / 2 into 3.14 = √L। तो L की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 9.8 into 2.5 square / 4 into 3.15 square। अब यहां पे जो स्मार्ट बच्चे हैं, देखिए मैं आपको बहुत इजीली बता सकता हूं आंसर कितना है, और आप भी इतने स्मार्ट बनो। अभी जब हम डिराइव कर रहे थे ना बेटा, तो मैंने 3.14 के स्क्वायर को 9.8 से लगभग इक्वल मान लिया था कि नहीं, तो मैं लगभग इक्वेट कर देता हूं, मैं आपको अप्रोक्सीमेटली आंसर बता देता हूं। अच्छा 2.5 का स्क्वायर, देखिए 25 का होता है 625, तो 2.5 का इतना हो गया डिवाइडेड बाई 4, 4 1 4, 4 5 20, राइट, 4 6 24, तो अप्रोक्सीमेटली इतना आ जाएगा लेंथ, राइट। क्लियर है, कोई टेंशन की जरूरत नहीं है, कैलकुलेशन अगर आप पहली बार वीडियो देख रहे हो तो आपको थोड़े दिन में बहुत अच्छे से कैलकुलेशंस करने आ जाएंगे। चलो एक और क्वेश्चन करते हैं। द टाइम पीरियड ऑफ टू सिंपल पेंडुलम्स एट अ प्लेस आर इन द रेशियो ऑफ 2:1, तो अगर t1/t2 आपको दिया हुआ है 2/1, आपसे कह रहा है व्हाट विल बी द रेशियो ऑफ देयर लेंथ। सर ये तो हम अभी करके आए हैं, t = 2π√L/g, तो t1/t2 = 2π√L/1g / 2π√L/2g, 2π से 2π कटा, g से g कटा, तो आ गया √L1/L2। तो अगर मुझे L1/L2 निकालना है तो मुझे स्क्वायर करना पड़ेगा, मतलब t1/t2 का होल स्क्वायर, t1/t2 मुझे दिया है 2/1, 2/1 का स्क्वायर करूंगा बेटा तो 4/1, दैट मीन्स L1:L2 = 4:1। तो आप देख रहे हो सारे क्वेश्चन एक ही जैसे हैं। एक और, इट टेक्स 0.2 सेकेंड्स फॉर द पेंडुलम टू मूव फ्रॉम वन मीन टू वन एंड। अब बहुत अच्छा क्वेश्चन है, देखिए एक सिंपल पेंडुलम है, बना लेते हैं, ऐसे मूव कर रही होगी, क्वेश्चन कह रहा है 0.2 सेकेंड उसको लग रहा है एक मीन से एक एंड तक आने में, आपसे पूछ रहा है टाइम पीरियड कितना है। तो बेटा टाइम पीरियड में मैंने डेफिनेशन में क्या बताया, ऐसे गया फिर ऐसे आएगा फिर ऐसे जाएगा फिर ऐसे आएगा, तो अगर 0.2 सेकेंड यहां लगा तो यहां तक आने में फिर 0.2 सेकेंड लगेगा, यहां से दूसरी तरफ जाने में फिर 0.2 सेकेंड लगेगा, और वहां से यहां तक आने में फिर 0.2 सेकेंड लगेगा, और टाइम पीरियड क्या होता है टोटल, तो टाइम पीरियड कितना आ गया 0.2 × 4, तो टाइम पीरियड कितना आएगा बेटा 0.8 सेकेंड्स। इज दैट क्लियर, वेरी सिंपल क्वेश्चन। चलो लास्ट क्वेश्चन करते हैं। हाउ मच टाइम डज द बॉब ऑफ अ सेकेंड पेंडुलम, आपको क्वेश्चन में सेकेंड पेंडुलम दे दिया मतलब टाइम पीरियड 2 सेकेंड, टू मूव फ्रॉम वन एक्सट्रीम ऑफ इट्स ऑसिलेशन टू अदर एक्सट्रीम, अगेन अ वेरी गुड क्वेश्चन। देखिए
ऐसे मूव कर रहा होगा, वो आपसे क्या पूछ रहा है, एक एक्सट्रीम से दूसरे एक्सट्रीम तक जाने में, मतलब वो आपसे टाइम पीरियड कौन सा पूछ रहा है, वो आपसे ये वाला पूछ रहा है, देख रहे हो, ये वाला टाइम पूछ रहा है, ठीक है ना। देखो कितना इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। अच्छा सर कैसे निकालें, सर टू पूरा टाइम दिया है 2 सेकेंड, मतलब यहां से यहां, फिर यहां, फिर यहां, फिर यहां, टोटल आपको दिया हुआ है 2 सेकेंड, और आपसे क्या पूछ रहा है, आपसे टी बाई टू पूछ रहा है, क्या ये ब्लू लाइन हाफ ऑफ टाइम पीरियड नहीं है, है तो कितना आना चाहिए 2/2 यानी कि 1 सेकेंड। इज दैट वेरी वेरी क्लियर बच्चों। तो विद दिस वी कम टू द एंड ऑफ दिस टॉपिक, और हमारा चैप्टर 1 भी पूरा कंप्लीट हो गया है विद न्यूमेरिकल्स। अगर आप पहली बार चैनल पर आए हो, आपको यह वीडियो अच्छा लगा तो आप पीछे जाकर देखोगे, आपको सारे वीडियोस मिलेंगे, सारे कॉन्सेप्ट मिलेंगे आईसीएससी क्लास 9th स्ट्रिक्टली, राइट। तो अगर आप आईसीएससी बोर्ड के स्टूडेंट हो एंड यू आर लुकिंग फॉर अ गुड फ्री कॉन्टेंट, फटाफट से चैनल को सब्सक्राइब कर लो। इन द नेक्स्ट वीडियो आई विल कम विद अनदर सुपर एक्साइटिंग सेशन एंड वी विल बी स्टार्टिंग मोशन इन 1 डायमेंशन। टिल देन स्टे हेल्दी, स्टे सेफ, एंड थैंक यू वेरी मच।